मेमोरियल स्कूल प्रबंधन समिति के चेयरमैन देवेंद्र सोरोत द्वारा होडल में पत्रकार प्रेस परिषद संगठन के सदस्यों के सम्मान में आईएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के सभी सदस्यों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पत्रकार मधुसूदन भारद्वाज, ऋषि कुमार भारद्वाज, गौरव बंसल, हरिओम भारद्वाज, रोशन लाल शर्मा, दीपक भारद्वाज, चंद्र प्रकाश गर्ग, महावीर सिंह, डोरीलाल गोला, प्रवीण सैनी, रतन सिंह चौहान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज एकता और संगठन में जो ताकत है वह बिखराव में नहीं है। उन्होंने सभी पत्रकारों ने मिलकर संगठन बनाने का जो फैसला लिया है वह बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन पत्रकारिता एक जोखिम भरा कार्य है। हर मोड़ पर खतरा बना रहता है। समाज की हर पहलुओं को प्रमुखता से प्रकाशित करना और संवैधानिक संसाधनों का दुरुपयोग करने वालों का विरोध करने पर कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पत्रकार समाज एकजुट होकर काम करेंगे तो उन्हें बल मिलता है। साथ ही आपको बता दें कि अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी आगे बढ़ चढ़कर उन्हें सहयोग करने में हौसला दिया जाता है। पत्रकार संगठित होंगे तब ही वह किसी भी कार्य को आसानी से निपटा सकेंगे। उन्होंने भविष्य में संगठन के सदस्यों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किस उपलक्ष्य में किया गया है? सबसे पहले तो मैं अपने होटल के सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। दूसरा, आप सबने जो बहुत अच्छा एक काम किया है, होडल प्रेस परिषद जो आपने बनाई है उसके लिए आप सबको हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपकी ये प्रेस की जो मर्यादा है उसको बनाए रखेगी और अपने समाज के किसान, गरीब, मजदूर, एजुकेशन, दूसरे समाज के सभी मुद्दों को उठाएगी और सबका साथ देगी।